हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। रिटेल इन्फ्लेशन कूल फ्रॉम 6.83% इन अगस्त टू 5% इन सितंबर। तो क्या है, चलिए देखते हैं रिटेल इन्फ्लेशन कैसे कूल ऑफ हुआ है। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन ईस्ट फ्रॉम 6.83% इन अगस्त टू 5.02% इन सितंबर, ब्रेकिंग अ 2 मंथ स्ट्रीक ओवर द टॉलरेंस थ्रेशोल्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अब देखिए, 4 ± 2% रिजर्व बैंक का आपका ये टॉलरेंस लेवल होता है, ये ब्रैकेट है, मतलब इस बीच में इन्फ्लेशन को रखना है। तो ये इसको 4 + 2 - 6, तो 6.83 को ब्रेक कर रहा था, तो 2 महीने के ब्रेक के बाद अभी वो ईज डाउन हुआ है। विद द राइज इन फूड प्राइजेस ईजिंग टू 6.6% फ्रॉम ऑलमोस्ट 8-10%, तो फूड प्राइजेस में भी थोड़ी सी गिरावट आई है, उसके वजह से ये चीज़ हुआ है। रूरल इन्फ्लेशन स्टूड एट 5.33% इन सेप्टेम्बर कम्पेयर टू 7% इन ऑगस्ट। तो आप देखिए, रूरल इन्फ्लेशन भी कम हुआ है। वेल द प्राइज राइज फेस्ड बाई अर्बन कंज्यूमर्स मॉडरेटेड टू 4.65% लास्ट मंथ फ्रॉम 6.6% इन ऑगस्ट। इन्फ्लेशन इन वेजिटेबल क्रैश्ड फ्रॉम 26.1% इन ऑगस्ट टू जस्ट 3.4% इन सेप्टेम्बर, बट इन्फ्लेशन इन सीरियल रिमेन स्टिकी एट 11%। तो आप देखिए, यहाँ पे इन्फ्लेशन सीरियल्स में अभी भी है। एंड द पेस ऑफ प्राइस राइज इन पल्सेस रोज फ्रॉम 13% इन ऑगस्ट टू 16.4% लास्ट मंथ। तो आप देखिए, पल्सेस में आपके जो हो गए, अभी भी प्राइस राइज हो ही रहा है। द एलपीजी सिलेंडर प्राइजेस कट्स अनवेल्ड बाय द सेंटर लास्ट मंथ पुश द 1 ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन इन फ्यूल एंड लाइट प्राइजेस फॉर हाउस होल्ड फ्रॉम 4.3% इन ऑगस्ट टू -0.1% इन सेप्टेम्बर। तो यहाँ पे आप देखिए, प्राइजेस बढ़ने के जगह -0.1% कम हुए हैं सेप्टेम्बर में। बेस इफेक्ट फ्रॉम द सेप्टेम्बर 2022 व्हेन द कंज्यूमर प्राइजेस रोज 7.4% ऑल्सो हेल्प्ड ईज द इन्फ्लेशन रेट विच वॉज लोअर देन द इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्टेशंस बट ऑलमोस्ट इन लाइन विद द सेंट्रल बैंक मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी प्रोजेक्शन। तो आप देखिए, जो सेंट्रल बैंक ने प्रोजेक्शन किया था, उसके इनलाइन में ही आया है। लास्ट वीक द एमपीसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, रेज्ड इट्स एवरेज इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन फॉर जुलाई टू सितंबर क्वार्टर फ्रॉम 6.2% टू 6.4%, एंड द नंबर रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ, ये आपका आपका कैलकुलेट करते हैं जीडीपी इन्फ्लेशन ये सब, ऑन थर्सडे पुट द एवरेज पेस एट 6.43%। तो आप देखिए, ये हमने मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने ये इसको प्रिडिक्ट किया था और इतना निकल कर आ रहा है, एनओसी ने कैलकुलेट किया है। इन द करेंट क्वार्टर द एमपीसी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी एक्सपेक्ट्स इन्फ्लेशन टू एवरेज 5.6% फॉर द फुल ईयर 2023-24 इफ इट एक्सपेक्ट्स एन एवरेज रेट ऑफ 5.4%। हाउएवर 13 ऑफ द 22 स्टेट्स फॉर विच द एनएसओ हैज रिलीज्ड इन्फ्लेशन रेट्स रिकॉर्डेड अ हायर प्राइस राइज देन द हेडलाइन फिगर ऑफ 5.02%। देखिए, राजस्थान एंड हरियाणा रिकॉर्डेड द स्टीपेस्ट इन्फ्लेशन, दैट इज 6.5%। इन्फ्लेशन वॉज द लोएस्ट इन चंडीगढ़ 1.98% एंड बिलो 5% मार्क इन द 8 मंथ स्टेट्स इंक्लूडिंग तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड केरला। तो रिस्पेक्टिवली इतने इतने ये 5% से नीचे थे। सबसे ज़्यादा आपका राजस्थान हरियाणा में हुआ है, उसके बाद आपका चंडीगढ़ में सबसे कम है। From here, the kharif harvest will have a bearing on inflation along with the El Nino effect in Asia and the evolution of Israel-Palestinian crisis, said Madan Sabnavis, chief economist at the Bank of Baroda. Moreover, cost of service like the health up to 5.9% in September and personal care up 8.5% are still rising, he pointed out. अब देखते हैं इस आर्टिकल में हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हमारे लिए इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या है, कितने टाइप का हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, गवर्नमेंट के कितने मेंबर हो गए और आरबीआई के कितने गवर्नमेंट हो गए, इनका काम क्या हो गया, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनकी मीटिंग कब होती है, ठीक है, हर 2 महीने में एक बार होती है, कितनी बार होती है, ये थोड़ी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। और ये हो गया 1, ये हो गया 2, और एक डेटा आप देखिए, रूरल वर्सेस अर्बन इन्फ्लेशन, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फोर्थ आप देखिए, अभी हम देख रहे हैं सितंबर में 5% कम हुआ है, तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है हरियाणा प्लस राजस्थान का सबसे हाईएस्ट है कितना, 6.5%।
परसेंट, मतलब हाईएस्ट इतने लेवल पर है। और उसके बाद आप देखिए 5% से नीचे वाले कौन कौन से स्टेट हो गए, तमिलनाडु हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और केरला हो गया, ठीक है। और लोवेस्ट किसका है, आप देखिए लोवेस्ट है अपने छत्तीसगढ़ का, कितना 1.98%, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली 2% बोल सकता हूँ। तो ये था हमारा इस अभी का डेटा। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए एलनीनो हो जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एलनीनो, ठीक है। एलनीनो क्या ये ज्योग्राफी में होता है, आप लोग जाइए इसको पढ़िए, समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को। और ये हमारा एक तरीके से इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन की बात होती है यहाँ पर। आप देखिए इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन की यहाँ पे बात हो, इंडियन ओशन ज़्यादा नहीं, मोस्टली पैसिफिक ओशन की बात होती है, ठीक है। इंडियन ओशन इसमें रोल प्ले नहीं करता है, पैसिफिक ओशन रोल प्ले करता है। आप देखिए जैसे यहाँ पे ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया है, और इंडिया मानिए यहाँ पर है, तो ये अपना प्यारा भारत। तो ये इस बीच की यहाँ पे बात होती है एलनीनो लानीना यहाँ पर, तो ये आपका पैसिफिक ओशन है, ठीक है। पैसिफिक ओशन, इसको साउथ भी बोल सकते हैं हम लोग, साउथ पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है, एलनीनो हो गया। और खारिफ क्रॉप्स हमें पता होना चाहिए, खारिफ क्रॉप्स कौन सा है, खारिफ क्रॉप्स कौन से है, ये हमें पता होने चाहिए। तो बस इतना ही था इस आर्टिकल में हमारे लिए जानने के लिए। सो थैंक यू गाइस, एंड प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।